हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोदक बनाने वाले हैं। इसे बिना गैस जलाए बहुत ही कम सामान से बनाकर तैयार करेंगे और ये मोदक बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा लिया है और 2 से 3 चम्मच मैंने दूध लिया है। अब हम ओरियो बिस्किट के मलाई को अलग कर देंगे। बिस्किट का मलाई बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसे चक्कू की सहायता से हम इसको अलग कर देंगे। देखिए, मैंने सारे बिस्किट के मलाई को अलग कर दिया है। अब बिस्किट को हम 2 टुकड़े में बारीक कर लेंगे, ऐसे हमें हाथ से दबा के इसे तोड़ना है। देखिए, सारे बिस्कुट को मैंने तोड़ लिया है। अब एक मिक्सर बाउल लेंगे और उसके अंदर सारे ओरियो बिस्कुट को डाल देंगे और हमें इसका पतला पाउडर बना लेना है। देखिए, एकदम पतला पाउडर बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। और जो हमने दूध रखा था वो दूध इसके अंदर डाल देंगे। दूध 3 चम्मच है, आपको अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और हमें इसे खूब अच्छे से मसल के इसका डो तैयार करना है। देखिए, इसका डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने इसका क्रीम लिया है। क्रीम के अंदर हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब मैंने इसके अंदर अमूल का कंडेंस मिल्क डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक, क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने ओरियो बिस्किट के डो को उठाया है और थोड़ा सा इसके अंदर से तोड़ लेंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबा शेप देंगे। अब मैंने मोदक का सांचा लिया है, उसके अंदर इसको डाल देंगे। देखिए, हमें ऐसे ही डालना है और फिर हाथ से प्रेस करके हम चारों किनारे में इसे फैला देंगे और हमें बीच में थोड़ा सा होल रखना है। अब हम इसके व्हाइट वाले क्रीम को थोड़ा सा लेंगे और इसे भी लंबा सा डो बना लेंगे और इसे इसके अंदर डाल देंगे बीच में, जो होल हमने बना कर रखा था। देखिए, हमें ऐसे ही भरना है, फिर हाथ से प्रेस कर देंगे और फिर थोड़ा सा हम चॉकलेट उठाएंगे और इसके मुंह को बंद कर देंगे पीछे से, ऐसे हाथ से अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब देखिए, हम सांचे को खोल रहे हैं। देखिए, हमारा मोदक कितना अच्छा बनके रेडी हो चुका है। देखिए, कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम ऐसे ही दूसरा मोदक भी बना के रख लेंगे। देखिए, मैंने दूसरे को भी उठा के लंबा करके इसके अंदर डाल दिया है और फिर हाथ से प्रेस करके बीच में होल करेंगे और फिर वाइट क्रीम उठा के इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसके मुंह को बंद कर देंगे। अब देखिए, हमारा दूसरा मोदक भी बन के रेडी हो चुका है। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। अब सभी के पास तो मोदक का सांचा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक हाथ से बनाकर भी दिखा रही हूँ। अब थोड़ा सा बैटर हम उठाएंगे, इसको हाथ से गोल करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा बीच में से चपटा करेंगे और इसे ऐसे घुमाएंगे। अब व्हाइट वाला क्रीम उठा के हम इसके बीच में रखेंगे। देखिए, ऐसे रख के और फिर हम इसको ऊपर से एकदम कवर कर देंगे और इसको हाथ की सहायता से हमें अच्छे से घुमाना है, राउंड करते हुए हमें घुमाना है। देखिए, हमें ऐसे ही इसको राउंड करते जाना है, ये अपना आप ही मोदक का शेप ले लेता है। अब इस पे डिजाइन डालने के लिए हमने टूथपिन लिया है और इसको ऊपर से हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन भी कितना अच्छा आ रहा है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है मोदक। आप ये मोदक किसी भी अवसर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। देखिए, अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। देखिए, कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है इसे अभी खा लें।
बच्चों को तो ये मोदक बहुत ही पसंद आता है। अगर एक बार आप उनको बनाकर खिलाएंगे तो आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएंगे। बिना गैस जलाए रेडी हो जाता है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।